नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपके इस YouTube चैनल हिंदुस्तान डेयरी फार्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अपने पशु गर्मी के मौसम में पशुओं में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, जैसे ज़्यादा गर्मी होने पर पशु फूल दिखाना, पशु में पेशाब की रुकावट, पेशाब में खून की शिकायत, और जो पेशाब करने के बाद पशु के जो मूत्र मार्ग होता है उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद चिप जाता है उसकी शिकायत, पशु में गर्मी, पशु को हाँफना, पेट की आदि संबंधी बीमारियां पशुओं में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो पेट की बीमारियां वह जो ये मैंने बीमारियां बताई है, इन सभी का एक देसी इलाज आपके आसपास ही, आपके घरों के आसपास ही, आपके घर में भी मिल सकता है। तो उस चीज़ का जो नाम है वो होता है आंवला। आंवला आपके पशु को इन सभी बीमारियों से दूर रखेगा, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, कुछ आंवले लेकर अपने पशु को खिलाना है, जिसमें आपसे पशु को फूल की, गर्मी की, हाफना व अनेक सारी जो बीमारियाँ होती है वह दूर हो जाएंगी। तो आपको जो पशु को खिलाने की विधि है वो बताता हूँ। आप 1 से 2 kg जो आपके आंवले आते हैं वो ले लीजिए। आंवले लेने के बाद उनको ग्राइंड सुखा कर उनको कूट लीजिए। सर्दी के मौसम में उनको रख लीजिए तैयार कर करके, ताकि गर्मी आने के बाद अपने पशु को आप खिला सके। तो पशु को गर्मी आने के वक्त इन चीज़ों का डेली 1-2 चम्मच सेवन कर दीजिए। आपका पशु इससे बहुत ज़्यादा फायदा मानेगा, और जो आपका पशु के अंदर गर्मी है, जो गर्मी होती है, वो भी आपका पशु बिल्कुल नहीं करेगा। गर्मी के कारण आपके पशु दूध भी घटा देते हैं, दूध में भी इसकी इंक्रीज होगी, पशु की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी ये बढ़ेगी। और दोस्तों, जो पशु की जो खास बीमारी होती है जिसका नाम है फूल प्रोलैप्स की बीमारी, वो उसका भी आपको गर्मी के अंदर जड़ से निजात मिलेगा। अगर आपको पूरी उम्र के लिए इस बीमारी को खोना है, जो प्रोलैप्स की बीमारी है, तो दोस्तों आपको अपने पशु को सर्दियों में हल्दी और गर्मियों में आंवला अपने पशु को कंटिन्यू दे दो। आपके पशु को 7 जन्मों तक ये बीमारी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके पशु के अंदर फिर भी कोई बीमारी आ जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। अब बात आती है कि आंवले कहाँ से ले, कौन से आंवले। आंवले आपके सुविधा के अनुसार आप कहीं भी ले सकते हो। बेटर ये रहेगा कि आप बरसात के मौसम में अपने घर के अंदर आंवला बोल ले, 2-3 साल के अंदर जो आंवला है वो तैयार हो जाएगा। इतने आप आपके आस पड़ोस में किसी किसान भाई के या पंसारी की दुकान से आप इस आंवले को ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बेशक लाइक मत करना, परंतु हर किसान भाई के पास इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हर एक किसान तो जो होता है वो यूट्यूब चला नहीं सकता। और जो छोटे छोटे फार्मूले आपको यूट्यूब की तरफ से या हमारी तरफ से बताए जा रहे हैं, वो आपको उन किसानों को बताना है, ताकि जो किसान है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़ायदा उठाने का कोई ये नहीं कि भाई हमारा नुकसान हो जाएगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा। सही है, किसी का अगर पशु ठीक हो तो वो भी आपके काम आ सकता है, वो भी आपको कोई नया फार्मूला पता होगा वो बताएगा। उस इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर ग्रुप में, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप के, फेसबुक में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो को शेयर करें, और जो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सीमा पर जवान और खेत में किसान को इस हिंदुस्तानी डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल की तरफ से बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।